मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आपको डाउट हो रहा है, शुबा हो रहा है कि आपके घर में कुछ असरात हैं, चाहे जिन्नाती असरात हो या शैतानी असरात हो, जिसकी वजह से आपको अपने घर में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, थोड़ी थोड़ी बीमारियों में आप बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन उस बीमारी से निजात नहीं मिलती। कभी घर में ये बीमार पड़ गया, कभी वो बीमार पड़ गया, कभी और कोई बीमार पड़ गया, इसी तरीके से बीमारियां लगी ही रहती है। या फिर आप जो कारोबार करते हैं, उस कारोबार में अचानक डाउन आ जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डाउट में, आपके शक में और भी ज्यादती हो जाती है। अब आप इस मसले को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी हट्टे कट्टे मोटे ताजे लंबे चौड़े आमिर साहब की तलाश में लगे रहते हैं। आमिर साहब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप उन आमिलीन के पास जाकर बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलती। आप ऐसा हरगिज मत कीजिए। आप घर में बैठे बैठे कुरान करीम की कुछ आयात है, सिर्फ पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप 5 मिनट में पढ़ते हैं तो 5 मिनट ही सही, आप 5 मिनट में इस इतने बड़े प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं और आपको किसी आमिल के पास जाकर बहुत सारे पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, वक्त भी जाया करने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम खासकर किसी आमिल साहब के लिए नहीं है, किसी मुफ्ती साहब के लिए नहीं, किसी मौलवी साहब के लिए नहीं, किसी कारी साहब के लिए नहीं, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम मुमिनीन के लिए है। आप खुद इस मसले को खत्म कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप सूरह फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। سورة فاتحة पढ़ने के बाद आप आयत الكرسي पढ़िए। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। आयत उल कुर्सी पढ़ने के बाद सूरह जिन की शुरू की 5 आयत पढ़नी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह जिन की शुरू की 5 आयत पढ़कर पानी पे दम करेंगे। पानी पे दम करने के बाद आप पूरे घर में छिड़क दीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा।
आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को आप खुद कर सकते हैं उस चीज को आप किसी दूसरे के हवाले क्यों करेंगे, आप खुद कीजिए, आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको वक्त पर मिलता रहे और आप हमारे वीडियोस के जरिए से मुकम्मल तौर पर फायदा उठा सके और आप गलत कदम उठाने से बच सके।